तो हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बताएंगे 3XL साइज जो होता है दोस्तों, वो होता है 46 साइज होता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और आप बिल्कुल आराम से प्यार से सुने और तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये है तो दोस्तों ये 39 है, यानी कि स्मॉल साइज है ये, तो मैं आपको प्रॉपर दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये स्मॉल साइज में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देख लीजिए। ये वीडियो मैंने फास्ट कर रखी, इसकी लंबाई वगैरह मैं नाप के दिखाता हूँ आपको। तो एक्सेल साइज के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, 3XL साइज के बारे में वो बताता हूँ। ये 30 इसकी लंबाई है और तो दोस्तों इसकी चेस्ट है दोस्तों, ये 21 चेस्ट है इसकी, 42 चेस्ट है, यानी कि ये शर्ट हमारी 39 और 40 साइज में आती है। और अगर इसको हम 2 इंच टाइट कर देते हैं मार्जिन इनसाइड करके, तो वो हमारी दोस्तों ये 37 चेस्ट वालों को भी आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों इसकी बाजू की लंबाई है तो पौने छब्बीस आ रखी है। इसका तीरा देख लेते हैं दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, टेलर टाइप चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। ये देखो 17 इसका तीरा है दोस्तों। तो वीडियो में नए हैं दोस्तों, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते हैं, बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। तो दोस्तों इस तरह से ये शर्ट है और 3XL साइज का जो होता है 46 साइज होता है। तो दोस्तों ये इतना अंदर मार्जिन करके मैं, ये प्लेटें भी डली हुई दोस्तों, रेडीमेड शर्ट है, मार्जिन अंदर करके मैं इसमें सिलाई लगा दूंगा, आप देखते रहना। और मैं जो 3XL साइज के बारे में बता रहा था दोस्तों, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको आप टाइट कर सकते हैं, 45 चेस्ट वाले को भी आराम से आ जाएगी वो शर्ट, और उसको आप लूज़ भी कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप किस तरह से सिलाई लगा रही हो प्रॉपर आप देखते रहिए वीडियो को, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी वीडियो। तो पूरी वीडियो में बने रहे हैं। अगर कोट पैंट की फिटिंग करना है तो आप चैनल में विजिट कर सकते हैं, वीडियो हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सिलाई लगाना शुरू कर दिया, आप देखते जाइए। इसमें डबल स्टिचिंग बाहर से प्रॉपर दिखेगी, मार्जिन इनसाइड रहेगा, बाद में आप कभी भी खुलवा सकते हैं। अगर आपका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारे साइज होता है दोस्तों, ये देख लीजिए। तो रेडीमेड दोस्तों, जो रेडीमेड होता है उसमें 2-1.5 इंच फालतू होता है। इस तरह से सिलाई लगानी है दोस्तों, ये देख लीजिए, किनारे में सिलाई लगानी, डबल स्टिचिंग बाहर से प्रॉपर दिखेगी आपको। एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है तभी समझ में आएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से सिलाई लगा दी मैंने, ये देखिए सिलाई आ गई है। अब मैं पूरी सिलाई लगा देता हूँ दोस्तों। अब मैं 3XL साइज के बारे में आपको बता देता हूँ। तो 3XL साइज जो होता है दोस्तों 46 साइज होता है। तो वो उसमें 1.5 इंच जो रेडीमेड होता है उसमें 1.5-2 इंच के बीच में फालतू होता है, एक्स्ट्रा होता है। अगर हमारे नाप के अनुसार जैसे जो हम लूजिंग नॉर्मल सिलवाते हैं उसमें लूजिंग जो देते हैं उससे 1.5 इंच फालतू होता है दोस्तों, उसको हम 47 चेस्ट वाले को भी वो शर्ट आ जाएगी, और उसको हम 44 भी बना सकते हैं टाइट करके, अगर आपका शोल्डर ना गिर रहा हो, क्योंकि स्लिप शॉर्ट हो जाती है, स्लिप टाइट हो जाती है, तो आप रेडीमेड मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते जाइए, इस तरह से यहाँ 0% में मिला देनी है मैंने शर्ट बाजू पर, ऐसे दोनों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे कपड़े में। इसी तरह से आप आराम से कर लेना तो फिटिंग हो जाएगी दोस्तों। ये शर्ट 39 है, इनकी स्मॉल साइज़ है, ये 40 वाले को भी आ जाती है और ये 37 वाले को आराम से आ जाएगी। इस तरह से सिलाई आ गई दोस्तों हमारी, डबल स्टिचिंग प्रॉपर दिख रही है, देख लीजिए, ये देख लीजिए डबल स्टिचिंग इस तरह से हमने कर रखी है, देखिए अंदर से सिलाई कर रखी है। और ये डबल स्टिचिंग मैं आपको प्रेस करके भी दिखाता हूँ, डबल स्टिचिंग कहाँ पर, और यहाँ पर लॉक कर देना होगा इस तरह से, और बाद में खोलने में आसानी हो जाती है दोस्तों, खुल जाती है सर, कोई परेशानी नहीं होती है, और आपका शर्ट जो है आप लॉन्ग टाइम पहन सकते हैं उसको। तो अगर आप भी वीडियो में नए हैं, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर ऑन कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारे भाई लोगों को और बहनों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों, इस तरह से सिलाई आ चुकी है हमारी, ये देख लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 3XL के बारे में। अगर पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं बना दूंगा दोस्तों। थैंक यू।